चैत्री नवरात्र का पांचवा दिन रहा है, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संभार है, बहुत ध्यान देना हमारे, जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्र की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी कोई भी नवरात्र, चाहे वो चार नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते, एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा, बस अंतर इतना है जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कंकु के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है, जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए।